प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में साफ एक बार फिर से किया है कि एमएसपी था, है और रहेगा, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो विरोध तो कर रहे हैं, आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों में खामी क्या है वो ये नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनय सहस्रबुद्धे जी। सर, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये सरकार की बहुत पहले से भूमिका रही है और उसको कोई विवाद का विषय बनाने का कोई कारण ही नहीं है। और जिस पद्धति से एक ऐतिहासिक परिदृश्य प्रधानमंत्री जी ने बहुत सिलसिलेवार सदन के सामने रखा कि सारे नेताओं ने लगभग कमोबेश इन सुधारों के प्रति सहमति जताई थी, बहुत सारे आयोग बैठे थे, बहुत सारे रिपोर्ट आ गए, और आज की तारीख में भी इस कानून का जो कानून बना है उसका फलाना अनुच्छेद बदलो, उसकी जगह ये शब्द डालो, ऐसा कोई कहने की स्थिति में है नहीं। और यही विडंबना है कि ऐसी स्थिति में फिर भी इन कानूनों को राजनीतिक वजह से विरोध किया जाए, ये उचित नहीं है जी। बार बार प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हो सकता है इसमें और अधिक तरक्की की जा सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है, तो इसको और भी आगे इवॉल्व किया जाए। सबके बीच में प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी शब्द का भी इस्तेमाल किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर आंदोलन में जो है पहुंच जाते हैं। आंदोलनजीवी सर, ये कौन लोग हैं? देखिए, उनको आइडेंटिफाई करना नाम लेकर शायद ज़रूरी नहीं है, मगर सब अगर मैं वर्णन करूँ तो आपके सामने भी लोग आ जाएंगे, जो बांध बनते हैं जी, उन परियोजनाएं बनती है पानी की, उसमें भी वो आगे रहते हैं, पर्यावरण का विषय आ गया ये कूद पड़ते हैं, या कहीं रास्ता बनाना है, कोई विकास का प्रोजेक्ट आना है ये उपस्थित है, कश्मीर का विषय है, ईशान्य भारत का विषय है ये उपस्थित है, महिलाओं का विषय है ये उपस्थित है। तो एक के बाद एक आंदोलन करते हुए ही एक दृष्टि से जो अपना जीवन यापन करते हैं उनको मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दृष्टि से इस पूरे उल्लेख को उनके संदर्भ में सर किया। एक और टर्म का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। कौन लोग हैं, क्या ये जो अभी जो ट्वीट्स आए हैं कुछ उससे संबंधित ये टर्म? मैं मानता हूँ कि ये भी बात बड़ी जाहिर सी है और हमारे देश में बहुत पहले से ऐसी ताकतों का आना और उनका प्रभाव निर्माण होना ये चलता रहा है। इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी इन विदेशी ताकतों, विदेशी हाथ वगैरह इन विषयों की चर्चा हमेशा की है, क्योंकि ये वास्तविकता रही है। और आज की तारीख में भी मुझे यही लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है फॉरेन डायरेक्ट आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, उसका संदर्भ हाल की घटनाओं से भी है और पुरानी घटनाओं से। हाल की घटनाओं से भी है और पुरानी घटनाओं से भी है। प्रधानमंत्री ने बार बार यही कहा है कि कृषि कानून में कोई खामी नहीं है और सरकार बातचीत को तैयार है, बदलाव को तैयार है, लेकिन पहले बताया तो जाए कि बदलाव करना क्या है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।